बस 5 मिनट के लिए शांत हो जाए। नगर जिला में जाम खेड़की खाडरा गांव में अनुसूचित जाति के नितिन आगे इस विद्यार्थी के हथियारों को स्थानीय न्यायालय ने निर्दोष छोड़ दिया। उसका विरोध करने के लिए मुंबई उपनगरीय बांद्रा कलेक्टर ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरने आंदोलन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति मुंबई के माध्यम से संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में आयोजित किया जाता था। अगर नितिन आगे को पूरे गांव में दिन दहाड़े मारा था, फिर भी उसके हत्यारे निर्दोष कैसे छूटे, ये प्रश्नचिन्ह पूरे समाज के सामने खड़ा हो गया। इसके लिए न्यायालय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र शासन जवाबदार है। इसका विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में आंदोलन में लोग शामिल हुए थे। इस आंदोलन में लोगों ने नितिन आगे के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। भारत के राष्ट्रपति साहब, महाराष्ट्र के राज्यपाल साहब को एक निवेदन संगठन की तरफ से दिया गया। यह जानकारी राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति के मुंबई अध्यक्ष सुधीर बामने इन्होंने दी। मुंबई से कमलेश की रिपोर्ट। सर, आप आज यहाँ पे बैठे हुए हो, बाहर से आए हो, तो उसके बारे में क्या कहोगे और क्या आपकी तकलीफ है उसको कुछ बताओगे? डिमांड क्या है? डिमांड तो पहले बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग क्यों यहाँ पर जमा हुआ पहले वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में जो एट्रोसिटीज की घटना होते जा रही है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज के लोगों के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो उन अन्याय अत्याचार के विरोध में राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति के माध्यम से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग संगठना, अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन सारे लोगों की एक ही डिमांड है कि जो इस देश में, खास करके महाराष्ट्र में, जो एट्रोसिटीज की घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर जातीय संगठनाओं के माध्यम से होते जा रही है या जातीय मानसिकता के माध्यम से होती जा रही है, उन घटनाओं को त्वरित रोक लगाया जाए। इसमें सबसे पहला जो डिमांड है कि महाराष्ट्र में एक नितिन आगे नाम का स्टूडेंट था, उसको बहुत बड़ी पैमाने पर बर्बरता से उसकी हत्या कर दी गई। उसको स्कूल में से निकाला गया, स्कूल के स्टाफ के सामने उसको बेरे में से मरने तक पीटा गया और उसके बाद में उसको लेके जाकर जंगल में इतना मारा, बुरी तरह से मार डाला और मारने के बाद उसको पेड़ से लटका दिया गया। साथियों, केवल ये एक ही घटना नहीं है, आप देख सकते हो कि खैरलांजी की जो घटना है, फिर रमाबाई नगर का हत्याकांड है, और अभी कुछ दिनों पहले ही जो एक आरएसएस का फुल टाइमर है शंभू रेगर करके, उसने एक पश्चिम बंगाल के एक जो व्यक्ति था, मुस्लिम समाज का जो एक व्यक्ति था, बेचारा मजदूर था, उस मजदूर को बेरहमी से पीटा, पीटने के बाद मार डाला, उसका वीडियो निकाला और मार डालने के बाद उसको जला दिया गया। तो ये जो सारी घटनाएं है, ये देश की शांति को खराब करने का जो माहौल हिंदुत्ववादी जो संगठन है, आरएसएस के लोग जो कर रहे हैं, उसके लिए, उनके विरोध में ये यहाँ पर हम लोग आज के दिन जमा हुए हैं और जल्द से जल्द उन जो भी घटना है इनके पीछे, जो भी लोग इनके पीछे हैं, उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर इस भारत में डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, तो उस लोकशाही को बचाने के लिए लोगों ने पहल करनी चाहिए। हम लोगों ने पहल की है और साथ ही हम लोग सभी लोगों से, जो जुडिशियरी में बैठे हुए लोग हैं, उनसे भी ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इन घटनाओं के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा इसके खिलाफ में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। रोल जय मुन्ने से साथियों, जय भीम। ये जो नितिन आगे का जो हत्याकांड हुआ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसी घटना आगे होने नहीं चाहिए। इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से तैयारी, अभी सब जाग उठे हैं, पर ये आगे होने नहीं देंगे, ये हमारा नारा है। जय मुन्ने से।